नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर के अंडर में आता है, उसने होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए एक वैकेंसी निकाली है जिसका की नाम है हाउसकीपर। तो हाउसकीपर की वैकेंसी के लिए आपको होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ में ही आपको एक साल का हाउसकीपिंग का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड है। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2023 है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है VAR/2023/004। हाउसकीपर की जो टोटल पोस्ट निकली हुई है वो है 4, जिसमें की एक जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है, 2 पोस्ट जो है वो OBC के लिए है और 1 जो पोस्ट है वो SC के लिए है। इस पोस्ट का जो लेवल है वो लेवल 6 है और इसका जो पे बैंड है वो 2 है, जो कि 9,300 से 34,800 तक जाता है, प्लस इसका जो ग्रेड पे है वो है 4,200। इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट मांगी गई है वो है 30 ईयर्स, जिसमें कि कुछ एज रिलैक्सेशन भी है एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इस पर एप्लीकेबल होते हैं। इसमें जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें मिनिमम एजुकेशन आपकी BSc इन होटल मैनेजमेंट मांगा गया है विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, और इसमें 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है रेलेवेंट फील्ड से। तो रेलेवेंट फील्ड जो है हाउसकीपर की वैकेंसी है, तो आपका हाउसकीपिंग में 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाउसकीपर की वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, जो कि आपको टाटा मेमोरियल सेंटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर इसको भरना है। इसको भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 20 फरवरी 2023 5:30 बजे तक शाम को, और इसमें जो है इंटरव्यू, रिटर्न एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट हो सकता है, इसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया है। बट जो इसमें वेबसाइट में दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। और चौथा पॉइंट है इसमें, पर्सन वर्किंग अंडर सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों को जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको अप्लाई करना होगा। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका रेफरीज। आपको जो है यहाँ पे 3 रेफरीज की लिस्ट करनी है कैंडिडेट को, जो जिनके अंडर में वो काम कर चुके हैं, मतलब उनके वो सुपरवाइजर या उनके वो मैनेजर होना चाहिए। इस पोस्ट की जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको ₹300 भरनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन भर सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए। और जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, एक्स सर्विस मैन है जो कि पहली बार सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक्सटेंड किया गया है, मतलब उनकी कोई किसी भी तरीके की फीस नहीं है। तो चलिए इस जॉब में जो बेनिफिट्स हैं उनको भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इसमें जो है अलाउंसेस आपको मिलते हैं जॉब के साथ में, जैसे डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रेवल अलाउंस है, ये जो है टाटा मेमोरियल सेंटर के जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। दूसरी चीज जो है वो है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको जो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जिसमें कि आप जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं किसी भी तरीके के नेशनल या इंटरनेशनल जो मेडिकल मीटिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आपको जो है ग्रो करने का भी मौका मिलेगा अपनी जॉब में। तीसरी चीज़ जो है आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, जो टाटा मेमोरियल सेंटर की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से प्रिवेलिंग रूल्स है, मतलब उस समय के जो रूल्स होंगे जब आप ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपको एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगा, अगर वहां पर अवेलेबल होता है तो आपको कैंपस में अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके जो कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर में NPS मिलता है, नेशनल पेंशन स्कीम है, तो इसके काफ़ी अच्छे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं, आपको NPS में एनरोल किया जाएगा और आपके जो है हर महीने जो है आपका सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है NPS में जाएगा और कुछ जो है टाटा मेमोरियल सेंटर उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ इस जॉब में है।
इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ट्रांसफ़र या जॉब रोटेशन पॉलिसी है। इसको आपको अप्लाई करने से पहले समझना ज़रूरी है कि आपको जो है कहीं भी जो टाटा मेमोरियल सेंटर के जो हॉस्पिटल्स हैं जो जो सेंटर्स हैं उसमें कहीं भी रोटेट किया जा सकता है। जैसे कि इसका एक सेंटर जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में है, नवी मुंबई में है, इसके अलावा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है और इस तरीके के काफ़ी टाटा मेमोरियल सेंटर के बहुत सारे जो आउटलेट्स हैं वहाँ पर आपको यूनिट्स हैं उन वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जो इस वैकेंसी के लिए जो आपका वेबसाइट दी हुई है वहाँ पर जाकर TMC की आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और इसका जो डिस्क्रिप्शन है आपको लिंक में भी दिया गया है।